बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आप लोगों के साथ एक रेसिपी शेयर करेंगे। ये रेसिपी है चिकन करेला। ये बहुत मज़े का बनता है। तो ये रेसिपी जो बनाई है मैंने पहली दफ़ा अपने चैनल पे बनाई है। पहले मैंने करेला ओनियन बनाया है, सादा करेला बनाया है, और आज मैंने चिकन थोड़ा सा डाला है। और इसके लिए ये मैंने जो वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए, इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगी। तो अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा, और वीडियो को भी लाइक ज़रूर दिया करें। जो देखते हैं लाइक कम देते हैं और देखकर आगे चले जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं, आप भी ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने फिजोमान में रखे, आमीन। आप देख रहे हैं पाकिस्तानी चैनल इन जर्मनी। आज हम जो रेसिपी बनाएंगे उसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हम आज बनाएँगे करेला चिकन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? आप देख रहे हैं पाकिस्तानी चैनल इन जर्मनी। चलें जो आज हम रेसिपी बनाएंगे वो आप लोगों के साथ उसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो शेयर करते हैं। यहाँ मैंने लिए करेला। करेले को कट करके नमक लगा के इसको धो लिया, अच्छी तरह साफ़ कर लिया है। ये अच्छी तरह इनको धो के साफ़ किया है। चिकन लिया है बॉलिस, और यहाँ मैंने 3-4 छोटे लिए प्याज कट कर लिए, 3 टमाटर, 3 लाल मिर्च, सब्ज़ मिर्च जो होती है सब्ज़ मिर्च ये वाली। चले अब स्टार्टिंग करते हैं। पहले सबसे मैं करेले को फ्राई करूंगी इसकी कड़वाहट दूर करने के लिए। तो यहाँ मैंने तेल रखा है, मैंने रखी है कढ़ाई में मैंने तेल रखा है। तो इसमें करेले जो हैं ये फ्राई करेंगे। सबसे पहले चूल्हे को ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ मैं तेल डालूंगी, करीबन खाने के 3-4 चम्मच, आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक डालें। अब इसको गर्म होने देते हैं। दूसरी तरफ मैंने ये रखा है जो मैंने करेले फ्राई करने हैं इनके लिए तेल रखा है। करेलों को फ्राई कर लेंगे। फ्राई के लिए मैंने करेले डाल लिए, थोड़े से डाले हैं वो हो जाएंगे, निकाल के फिर मैं दूसरे डालूँगी। तेल गर्म हो गया, प्याज डाल देंगे। तो यहाँ प्याज हल्का सा हो गया है, और साथ ही मैं ये चिकन जो रखा है साफ करके धो के इसको डालेंगे, ताकि ये भी प्याज के साथ ही हल्का सा ब्राउन हो जाए। इसको ब्राउन करेंगे, ब्राउन करने के बाद फिर मिलते हैं। अब यहाँ टमाटर भी डाल देंगे। फिर मसाले डालेंगे, मसाले शामिल करेंगे। आधा टेबल स्पून मैं डालूंगी इसमें नमक, चौथाई चम्मच का डालेंगे हम इसमें अदरक का पाउडर, हल्दी डालेंगे, ये तकरीबन चौथाई चम्मच है, मैंने सारी डाल दी है। सुरख मिर्च डालेंगे, लाल मिर्च आधा चम्मच, धनिया पाउडर डालेंगे आधा चम्मच, यानी कि टेबल स्पून है जो ये वाला। अब इनको भूनेंगे। कलर देने के लिए मैं थोड़ी सी इसमें ये जो
तंदूरी मसाला जिसको कहते हैं ना, सुरख मिर्च वो वाली डाल दूँ। साथ ही ये मैं करेले भी डालूँगी ताकि ये अच्छी तरह मसाला इनके अंदर चला जाए, और इनको भूने के तकरीबन 5 मिनट के बाद फिर मैं मिलती हूँ। थोड़ा सा मैं धनिया पाउडर भी डालूँगी, इससे खुशबू अच्छी आएगी। ये वाले चिकन करेले आपने कभी नहीं खाए होंगे। सब्ज़ मिर्च भी डाल देंगे, तकरीबन 1 मिनट भूनूंगी फिर उतार लूँगी। करेला चिकन हमारा तैयार है। थोड़ा सा मैंने धनिया भी डाल दिया। चिकन करेला हमारा तैयार हो गया माशाल्लाह से। आप लोगों से मैं इजाज़त चाहती हूँ, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए दिन के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए अपने बहन भाइयों के साथ। तब तक